सो लेडीज एंड लेडीज गजब बेइज्जती है क्या? ओह सॉरी, सो लेडीज एंड जेंटलमैन्स, आज हम हाजिर एक न्यू व्लॉग के साथ। तो व्लॉग के लिए हम जा रहे दिल। सो समीर आ रहे पेशावर से, मैं मर्दान में हूँ और दानियल शेर को आप तो जानते हो नहीं। जो पिछले बार हमारा जो पिछला व्लॉग था शेरगढ़ वाला, तो हम दानियल शेर के पास रुके थे। तो हम तीनों आपस में मिलकर जाएंगे दिल। सो आप हमारे साथ रहिए। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। आई नीड योर सपोर्ट गाइज। सो आगे देखते हैं क्या होता है। सो बलाने मज़ा, मैदान की दासी कारी चिराने मज़ा, जीजत पर कोम, वह या हम कोम, नहीं मज़ा खबर है न बलाने मज़ा, मैदान की दासी कारी चिराने मज़ा, पहचान साथी जीजत पर कोम, ईमान साथी, वह या हम दबल एस्तान साथी, नहीं लाख की कोख खबर है न दासी। रिक्शा खड़े अभी, लेकिन ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर के पीछे बंदा भेजा है। अभी यहाँ से जाएंगे चारसा चौक पर, वहाँ से जाएंगे शेरगढ़। सो इस वक्त मैं चारसा चौक पहुँच गया और समीर मेरी वीडियो बना रहा था। सो मैं और समीर मिल गए यहाँ। सो अभी हम यहाँ से गए शेरगढ़ और फिर आगे देखिए। सो सीन कुछ ऐसे कि मैं गाँव से निकला सुबह के 5 बजे थे। आप देख सकते कि कोई भी चीज़ नहीं थी कि मुझे 400 चौक तक ले जाए। सो फिर अल्लाह के करम से कृष्के वाला मिल गया, उसके साथ बैठा 400 चौक गया। वहाँ से समीर और मैं एक साथ मिले। फिर वहाँ से हम गए शेरगढ़, वहाँ पर दानियाल साहब थे। दानियाल से मिले, वहाँ पर पेट पूजा नाश्ता किया। फिर वहाँ से हम गए दरगाह, जहाँ पर हमारे एक और दोस्त रहीम था। रहीम और उनका बड़ा भाई आसिफ भाई थे, जो बहुत ही कमाल के बंदे थे। फिर वहाँ से हम दरगाह से जब दीर के लिए रवाना हुए, तो सीन कुछ ऐसे आप देख के आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जा रहे हैं दीर। सो अभी हम दीर पहुंच ही गए हैं, लेकिन रास्ते के बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बने। फिर रास्ता और व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि समीर आया, तो समीर व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप। हाँ बस चलो हाथ में जाओ। गजब बेइज्जती है ये हमारे ना कर भाई। क्या नाम है? ये हमारे रहीम भाई, जिनकी गाड़ी में हम आए पीछे। नंबर इंसान है एक टके की। और दानियाल भाई वहाँ बैठे, और ये है हमारे मास्टरपीस। अस्सलामुअलैकुम। ओह माय गॉड, वाओ। सेकेंडरी से हाउ आर यू संगे खै। हाँ तो इनके घर हम आए हैं इमरान दीर। सो अभी पहुंचे रास्ते में, तो बहुत ज्यादा नींद आई गानों की वजह से। सबकी बच्चे इनको छोड़ गई है। तो सबकी बच्चिया इनको छोड़ कर चली गई है। हम वफादार नहीं, मेरी नहीं छोड़े, मुझे किसी ने नहीं छोड़ा ना है। अच्छा चलो बस हो गया। हाँ तो अभी आ गए हैं, थोड़ा सा आराम कर रहे, फिर आपको जगह दिखाएंगे कैसी लगी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।
अपना काली आए अभी, सो भी जा रहे हैं ऊपर घूमने की जगह, तो वहाँ जाके मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। अच्छा तो अभी हमारा शूट शुरू हो गया है, मैं थोड़ी पिक्चर्स निकालता हूँ। मोबाइल जमीर भाई जा रहे जी भाई, अभी हम लोग जाएंगे बाग देखने के लिए। आगे दानियाला हमारे गांव के आगे बहुत अच्छी लोकेशन है, तो वो देखेंगे। तो हमारे साथ रहिए, व्लॉग को एंजॉय करिए। शूट वूट कर लिया है, जांबाज खिलाड़ी आ रहे हैं शूट करके। सो अभी जा रहे हैं किधर का वो पानी वानी वो पानी के। हाँ ग्रो गोए का ग्रो है, मुझे नहीं पता। तो वहाँ जाके मैं आपको नजारा दिखाऊंगा क्या है। सो मुझे लाइक करो लड़की। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मुझे लाइक करो लड़की। तो यहाँ पर आ गए हैं लेकिन गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ते, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक सा है। सो यहाँ से जा रहे हैं वापस कहीं और। कहाँ जा रहे हैं अब हम? ग्रो तक। ग्रो जा रहे हैं, इधर आए। ये है हमारे धीर का जो दोस्त आपको तो पता है। सो अभी हम कहाँ जाए ग्रो? यार अभी हम ग्रो जा रही है लेकिन ये बहुत सुस्त इंसान है, बेगैरत, गजब बेइज्जती है। क्या कहूँ इसके बारे में, गजब बेइज्जती है। तो अभी हम जा रहे हैं तो वहाँ क्या है, मतलब क्या खासियत है? मतलब वहाँ खूबसूरत सा नज़ारे है, बिल्कुल क्लियर हमवार रोड है, ये सही, पानी बहुत ज्यादा है पानी, और इसके अलावा वो बस लड़का है, लड़कियाँ ज्यादा है। इतनी खुशी मुझे मजे। चलो वहां जा रहे, फिर आपको दिखाते हैं क्या मजे। चलो चले। पहुंच गए हैं जगह पर और अभी देखते हैं कि कैसी जगह है। सो अभी आगे दिखाता हूँ मुझे कैसी जगह है। अभी ये पीछे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी एरिया है, लेकिन उधर नहाने वहाने पानी की जगह है। सो वहाँ अभी जा रहे हैं कि क्या माहौल है उधर, तो देखते हैं। आप रहिए हमारे साथ।
अभी नहाया हूँ यहाँ पर, बहुत जा रही है अच्छा पानी का, बहुत ही मज़ा आया है। अभी जा रहे गांव मतलब घर की तरफ, तो आई थिंक लोग मुझे यहाँ पर ख़त्म कर दें क्योंकि वापसी पर रास्ते में आपको दिखा कर बोर नहीं करना चाहता। तो अपना ख्याल रखिए, कोरोना का खतरा बहुत है, तो अपना ख्याल ज़रूर रखिए, अगर मास्क पहना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा करें। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी दुआएं और अस्सलाम वालेकुम।